शिमला जिला के रामपुर उपमंडल की जाकड़ी में पंचायती राज्य संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों को पोषण अभियान की सही जानकारी देने के लिए कार्यशाला लगाई गई। इस दौरान क्षेत्र के 366 आंगनबाड़ी केंद्रों से आए कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक फसलों से बनाए जाने वाले विभिन्न पकवानों की भी प्रदर्शनी लगाई। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के झाकड़ी में पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों को पोषण अभियान की सही जानकारी देने के लिए कार्यशाला लगाई गई। इस दौरान क्षेत्र के 366 आंगनबाड़ी केंद्रों से आई कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक फसलों से बनाए विभिन्न पकवानों की भी प्रदर्शनी लगाई, ताकि दूर दराज के गाँव में बैठे लोगों को भी पता चल सके कि कौन सी फसल में किस तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं और पारंपरिक फसलों से बनाए गए पकवान स्वास्थ्य के लिए जंक फूड से कितने बेहतर हैं। इस दौरान उन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताने का प्रयास किया कि स्थानीय फसलों से किस तरह कौन से व्यंजन बनाए जा सकते हैं जो स्वादिष्ट के साथ साथ पोषक भी हो। इससे पूर्व रामपुर के झाकड़ी तक कार रैली का भी आयोजन किया गया, ताकि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाकर सही पोषण देश रोशन का नारा दिया जा सके। कार्यशाला में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुपमा ने बताया कि दूरदराज के गांव से काफी लोग आए हैं और महिलाएं भी अपने पारंपरिक फसलों के पकवान बनाकर लाई हैं और लोगों को बता रही हैं कि इनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उनका मकसद है कि इस आयोजन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को जनता तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रोटीन, विटामिन, आयरन स्थानीय अनाजों से बनाए पकवानों में कितना होता है। इसमें बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पोषण अभियान को प्रभावी बनाने का आह्वान किया गया, उसे जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ताकि स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। CDPO अजय बद्रेल ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को जागरूक करने के लिए झाकड़ी में शिविर लगाया गया है, जिसमें 366 आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं ने स्थानीय फसलों के उत्पाद लाए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बताया जा रहा है कि इन फसलों से बने पकवान कितने पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण है। शिविर से पहले एक कार रैली का भी आयोजन किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि पोषण माह दौरान लोगों को सही पोषण की जानकारी दी जा रही है, खासकर दूरदराज तक लोगों को सजग किया जा सके इसका प्रयास किया जा रहा है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बाल विकास अधिकारी सभी लगातार लगे हैं। लोगों को जंक फूड से हटाकर पारंपरिक पकवानों का सेवन करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि कुपोषण की समस्या दूर हो। प्रकार का भोजन सही समय पर खाया जाए। अभी भी 70% बच्चों में और महिलाओं में एनीमिया है। बहुत से बच्चों के अंदर अभी भी कुपोषण है, कईयों में बहुत सीवियर कुपोषण भी है। तो उसको हमें कैसे एड्रेस करना है, किस प्रकार से, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए, बच्चों को खिलानी चाहिए, ताकि उनका सही तौर पे एक मानसिक और शारीरिक और पूर्ण विकास हो सके। बच्चों के जो नींव के साल हैं, वो जो पहले 6 साल हैं, वो उनके फाउंडेशन ईयर्स कहे जाते हैं, तो उस फाउंडेशन ईयर्स में उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी और बेहतर होनी चाहिए, ताकि वो एक अच्छे एडल्ट आगे बन सकें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।